अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि चैट जीपीटी से सही आर्टिकल कैसे लिखवाएं, प्लेजरिज्म फ्री, एआई डिटेक्ट फ्री, ताकि हम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं वो आर्टिकल रैंक भी करे और वो अच्छा भी नज़र आए। ठीक है जी, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने अच्छा आर्टिकल अपना लिखवाना है अपनी वेबसाइट के लिए। आपकी वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर है या आपकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है, उसके लिए आप जो है ना अच्छा सा आर्टिकल लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, ताकि वो प्लेगरिज्म और एआई डिटेक्ट जो होता है वो फ्री हो। ठीक है जी, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि अपनी चैट जीपीटी को क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ना हो तो आपने आके क्रोम ब्राउजर के ऊपर लिखना है चैट जीपीटी। आपके सामने कुछ ऐसी प्लेन आएगी चैट जीपीटी, तो आपने जो ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ, अगर ये आपने चैट जीपीटी के अंदर ऐड करने हैं तो वो वीडियो मैंने आपको पहले ही मैंने आपको बनाकर दी हुई है चैनल के ऊपर, तो आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है। आपको ये थंबनेल जो है ना इसका नजर आ रहा है, तो ये वीडियो आपने देख लेनी है। अपनी चैट जीपीटी को पहले सेट कर ले, ठीक है जी। उसके बाद आपने साइट पे मैंने लिखा हुआ आर्टिकल, यहाँ पे आपने जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है जी, आर्टिकल का आपने सिर्फ आर्टिकल लिखना है। अगर आप और कुछ लिखवाना चाहते हैं तो वो आपने वही यहाँ पे अपना टॉपिक सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है जी। सर्च करने के बाद आपने जो है ना यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखवाना है इससे, ताकि हमें वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगा सकें, ठीक है। यहाँ पे मैं दो ऑप्शन यूज करूंगा आपके सामने, पहला ही ये देखेंगे चैट जीपीटी 4 का, ठीक है जी। आर्टिकल लिखवाने के लिए एक ऑप्शन मैं ये यूज करूंगा और दूसरा जो ऑप्शन है ना इसका वो मैं ये वाला यूज करूंगा आपके सामने, ठीक है जी। ये वाला, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं जो आपने पढ़ लेना है इसको, ठीक है जी। अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये चीजें बताऊंगा तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लिख कर ये देखिए मैंने लिखा हाउ टू डू चैट जीपीटी से सही आर्टिकल लिखवाने का तरीका, एआई डिटेक्ट फ्री, प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है जी। इसको मैंने ये टॉपिक जो ना यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे दे दिया, ये ऊपर वाला चैट जीपीटी 4 वाला, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने वो अपना टॉपिक जो ना इसको दे दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मुझे एक आर्टिकल ये लिख कर दे दे। जो ही मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे साइड पे एरो के ऊपर, तो ये मुझे लिख कर दे रहा है आर्टिकल जैसे हमें वेबसाइट के ऊपर नजर आते हैं, ठीक है जी। और अब जो ना मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी यूज करके अभी दिखाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो और आ रही है इसी के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर के चैट जीपीटी सही आर्टिकल जो हमारा एआई डिटेक्ट हो जाता है आर्टिकल वो कम कैसे किया जाए, वो वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। उस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना एक स्क्रिप्ट दूंगा, तो वो स्क्रिप्ट को आपने यूज करके आपने अपना आर्टिकल जो है ना वो लिखवाना है चैट जीपीटी से। आपका आर्टिकल 100% जो है ना वो सही आर्टिकल जो है ना चैट जीपीटी लिख कर देगा। वो आपने पहले स्क्रिप्ट जो है ना आपने यूज करना है, उसके बाद आपने अपना टॉपिक देना है, तो आपको आर्टिकल जो है ना सही लिख कर दे देगा। तो ये हमारा आर्टिकल लिखा गया। अब मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं जो है ना ये वाला ऑप्शन इसका यूज करूंगा, ठीक है जी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद वही जो है ना मैंने दोबारा फिर टॉपिक अपना इसको दे दिया और मैंने ये एरो के ऊपर जो ना क्लिक कर दिया, तो अभी जो ना दोबारा फिर मुझे जो ना ये आर्टिकल लिख कर देगा। ये देखिए अभी हमारा ये जो आर्टिकल दूसरा भी ये लिखा गया है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि इसको जो ना पूरे को कॉपी करूंगा साइड पे, ये आपको जो ना एक पैड सा बना हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से कॉपी हो गया। उसके बाद ये देखिए मैंने पहले भी लिख कर रखा हुआ, ताकि मैं दोबारा लिख कर आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये टूल का लिंक भी मैं आप जो इस टूल का लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जो जो मैं इसके अंदर यूज करूंगा ना टूल आपको बताने के लिए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट जो ना ये टूल आप यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है सारे टूल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें ये गोल था दायरा जो ना वही घूम रहा है, तो अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये 34% जो ना 35% यहाँ पे ये लिखा नजर आ रहा है, जो ये येलो कलर के अंदर हो गया ना, कंप्यूटर से जनरेट करवाया हुआ है, तो इसको हमने जो ना एआई डिटेक्ट जो है ना ये फ्री करना है।
ये फ्री कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है ना, मैं दूसरा जो ना, अभी हमने यहाँ पे दो लिखवाए थे, ठीक है जी। अब मैं दूसरे को स्लैश कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं जाके वहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इसी इसी टूल को जो ना मैंने दोबारा फिर जो ना यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैं इसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूँ। और अभी जो लिखवाया है इसको पेस्ट करके इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर देखते हैं कि कितना जो है ना वो आ रहा है, AI कंटेंट जो है ना वो कितना आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं जो ChatGPT 4 से हमने लिखवाया है ना, वो तकरीबन 13% जो है ना वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें, अभी आप क्या करेंगे कि इसको भी हमने बिल्कुल फ्री करना है, ताकि हमारा जो ना आर्टिकल, जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगाएं तो जो हम उसको मोनिटाइज के लिए भेजें, ठीक है, एडसेंस के अंदर, तो तब हमें प्रॉब्लम ना मिले, तो हमारी फॉरन जो है ना वेबसाइट जो है ना वो मोनिटाइज हो जाए। तो अभी आपने क्या करना है, इसको हमने कॉपी किया था, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाए एक न्यू टैब के अंदर, और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे साइड पे आपको मिलेगा एक टूल गूगल का, यहाँ पे आपने डॉक्स को जो है ना क्लिक कर लेना, ओपन कर लेना, ठीक है जी। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जो प्लस वाला आपको साइन सा बना हुआ नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ब्लैंक एरिया के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि वो जो आर्टिकल ChatGPT से हमने लिखवाया ना, इसको लाकर पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा आर्टिकल लिखा गया, ऊपर वाला जो हम जो है ना डिलीट कर देंगे, ताकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये वही है जो हमने, जो ChatGPT का अपना लिंक है ना वो है, इस लिंक को हम डिलीट कर देंगे, और इस हैश को जो जितने भी हैश टैग लगे हुए हैं इसको हम जो ना डिलीट कर देंगे। और अब आपके यहाँ क्या करना है कि यहाँ से आपने जो ये हैश लगे हुए हैं जितने, ये आपने डिलीट कर देना है इसके अंदर से, ठीक है जी। और अब आपने क्या करना है कि किसी भी जगह पे इस माउस के कर्सर को रखना है, और आपने क्या करना है कंट्रोल और F को प्रेस कर देना है। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपने जो है ना यहाँ पे एक आपको सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपने ये जो टूल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है जी, आपने इसके अंदर जो है ना लाकर इसको पेस्ट कर लेना, और आपने पता चल जाएगा कि आपका जो ना ये AI से लिखवाया हुआ आर्टिकल कितना है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये येलो हुआ ना, आपने इसको जो है ना क्या करना है कि इसको आपने कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर आके डॉक्स के अंदर आके आपने यहाँ पे वो आर्टिकल Ctrl V से इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना वो सारा सामने हाईलाइट कर देगा ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इसी को जो ना, ये दूसरा टूल आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी, इस टूल के अंदर आ जाना है। इसका भी नाम आपको नजर आ रहा है ऊपर, तो आपने क्या करना है कि ये भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप 1000 वर्ड्स के ऊपर ज्यादा जाएंगे, 1000 वर्ड्स के ऊपर ज्यादा जाएंगे तो फिर आपको जो ना ये ऑप्शन देगा कि आप जो ना इसको बाय करें। तो आपने क्या करना है कि इसको फ्री में यूज करना है, तो आपने जो ना कम ही रखना है, ठीक है। जब भी आपने इसको इसके अंदर ये होगा कि आपके जितने भी वो होगा ना AI से लिखवाया हुआ आर्टिकल, वो उसको चेंज कर देगा, उतना ही हिसाब हम चेंज करेंगे जितना कि वो आ रहा है। इसको हमने कॉपी किया था, ठीक है जी, जो येलो येलो था, ठीक है जी। अब इस टूल के अंदर आगे यहाँ पे आके हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो ना ये एरो से बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जूं ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखें जी 45 जो इसके वर्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे इसने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है जी। यहाँ पे 3 जो है ना हमारे वो बढ़ गए हैं वर्ड्स, और यहाँ पे आपको साइड पे जो है ना कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने कॉपी कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने डॉक्स के अंदर आ जाना है, और आने के बाद यहाँ से जितना ग्रीन हुआ ना इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो आपने यहाँ से आके चेंज किया है इसके अंदर से, इसको हमने कॉपी कर लिया था जो ये रेड रेड सा हुआ, ठीक है जी। और डॉक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करके Ctrl V से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। ये हमारा इतना काम हो गया। अब दूसरा आ जाएंगे यहाँ से, हमने ये नीचे से ये तकरीबन 2-3 लाइनें हैं, सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे। शुरू शुरू में होगा कि आपका जो ना थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब आप 2-3 बार करेंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको जो ना चेंज कर लेंगे। 10-15 मिनट के अंदर आप अपना एक लंबा आर्टिकल जो ना लिखवा कर अपनी वेबसाइट के ऊपर इजी तरीके से लगा सकते हैं। अब दोबारा आऊंगा मैं इसके अंदर, और इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगा, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये देखें, उतना ही इसने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी टूल के अंदर दोबारा आऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, और इसको डिलीट कर दूंगा, और इसको पेस्ट करूंगा,
और इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 27, थोड़ा सा चेंजिंग करता है ये और आपका जो है ना काम हो जाता है। यहाँ से हम दोबारा फिर आएंगे, यहाँ पे इसको जो हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी से इसको फिर पेस्ट कर देंगे और ये भी होगा हमारा, ठीक है जी। दोबारा फिर इस तरह आएंगे और यहाँ से इतना है, इसको दोबारा फिर हम चेंज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे डॉक्स के अंदर जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। इसको हाईलाइट कर दिया इसने, पहले हाईलाइट करना है, उसके बाद इसको इसी तरह आपने करना है। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने लगा हूँ ताकि आपका टाइम जो है ना वेस्ट ना हो। ये देखें दोस्तों, ये लास्ट था, तो ये सारा कुछ हमने ये डॉक्स के अंदर आके इसको सारे को हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम जो ना साइड पे ये इसको हटा देंगे और ये हमारा आर्टिकल जो ना बिल्कुल, जो आर्टिकल हमारा एआई से लिखवाया हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब यही नजर आएगा कि ये किसी इंसान ने लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसको पूरे को दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल वी से कॉपी करेंगे और दोबारा फिर आके इसके ऊपर मैं इसको जो ना ये वाला था। इसी तरह आपका कोई भी टॉपिक है वो आपने इसी तरह जो ना इसको सेट करना है। यहाँ पे आके इसको जो ना इसके अंदर सेलेक्ट किया, डिलीट किया और अब मैंने इसको पेस्ट किया। हो सकता है कि थोड़ा बहुत दोबारा फिर आ जाए, आपने फिर दोबारा इसी तरह आपने करना है, तो आपने इसको फिर यहाँ पे क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया नीचे से, ठीक है सारा। अब यहाँ पे रह गया, ठीक है, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, इसका टाइटल ये रह गया है और जो नीचे से ये थोड़ा सा। अब आप हमने क्या करना है कि इसी चीज को करना है इसको सेट। दोबारा फिर आएंगे इसी के अंदर डॉक्स के अंदर और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डबल जो हैश लगा हुआ है इसको डिलीट करेंगे और जो इसका टाइटल है वो आप ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो आपने इसको जो ना दोबारा फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको दोबारा पेस्ट करेंगे और दोबारा फिर इसको चेंज कर देंगे और अब कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा फिर इधर आके इसको हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, और दोबारा फिर हम एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें जी दोस्तों, आपके सामने है, मैंने सिर्फ तकरीबन 5 से 6 मिनट ये काम किया है, तो टोटल जो ना आपके सामने लिखा हुआ आ गया है कि ये इंसान का लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट टू ह्यूमन रिटर्न, ठीक है जी, ये इंसान का लिखा हुआ सारा जो है ना आपको नजर आ रहा है कि ये ऊपर जो हमें टाइटल इसने दे दिया, ये टाइटल के हम अंदर यूज करेंगे इसको और बाकी जो है ना सारा हम इसको अपने आर्टिकल के अंदर यूज करेंगे। हमने क्या करना है कि अब पूरे को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके इसको पूरे को पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आप आर्टिकल लिखवा सकते हैं और अपना आर्टिकल जो है ठीक कर सकते हैं। मैंने डिटेल से बता दिया है आपको, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको मसला है, तो आपने कमेंट करके पूछ लेना। जो नेक्स्ट वीडियो आपको, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना आपको एक दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, तो वो आपने यूज करना है। तो आपको जो ना इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत आएगा, तकरीबन 1-2 लाइनें या 3 लाइनें आएंगी, वो आप फौरन से उसको ठीक कर लेंगे खुद ब खुद ही, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी जो है ना मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।